प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में अरसे बाद कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ऑडिटोरियम की साज सज्जा बढ़ाने के अलावा बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगाने व सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाने की योजना है। संग्रहालय की वितिकाओं गैलरी में लोगों को गर्मी महसूस होती है, प्रकाश व्यवस्था भी कमजोर रहती है। अब इसमें बदलाव की तैयारी है। संग्रहालय के सेंट्रल हॉल तथा पिछले हिस्से में बनी वितिकाओं को वातानुकूलित करने के लिए AC लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे पूरे संग्रहालय को वातानुकूलित करने की योजना है। इसके अलावा ऑडिटोरियम की साज सज्जा बढ़ाने, रोशनी के कुछ नए इंतजाम, भूतल से प्रथम तल तक लिफ्ट लगाने, अग्निशमन यंत्र लगाने तथा करीब 50 पॉइंट पर CCTV कैमरे लगाने की तैयारी है। सेंट्रल हॉल को वातानुकूलित करने के लिए काम शुरू भी हो गया है। संग्रहालय प्रशासन का मानना है कि इन बदलावों से वहां दर्शकों की संख्या में इजाफा होगा। प्रयागराज से अग्रज यादव की रिपोर्ट। कि आधुनिकीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है, इस दृष्टि से कि ये एक राष्ट्रीय संग्रहालय है और इलाहाबाद के और प्रयागराज के जो निवासी हैं और बाहर बाहर से जो लोग आते हैं उनको हम लोग बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे पाएँ। तो इस क्रम में अभी जो AC का काम हो रहा है, हमारा सेंट्रल हॉल से लेके पीछे पैसेज से लेके और आज़ाद गैलरी जो नई बन रही है, इसमें पूरी तरीके से AC, फॉल सीलिंग और सुंदरीकरण का काम हो रहा है और ये आपके अगले 3 से 4 महीने में पूरा आपको चेंज दिखेगा वातावरण। उसके साथ साथ हम लोग जो है, हम लोग ने योजना बनाई इधर एक लिफ्ट लगाने की, जिससे कि जो बड़े बुजुर्ग जो म्यूज़ियम देखने आएंगे वो लोग आसानी से मतलब ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक वो आराम से जा सकते हैं। साथ साथ लिफ्ट जो है हैवी ड्यूटी लिफ्ट रहेगी, इसलिए भारी कलाकृतियाँ वगैरह जो हम लोग सीढ़ियों से चढ़ाते हैं, अब लिफ्ट के ऊपर से आना जाना उसका रहेगा। टेक्निकल जो सामान है उसका भी काम होगा साथ साथ। उसके अलावा 4 गैलरी का आधुनिकीकरण हो गया है लाइटिंग के हिसाब से, पर उन 4 गैलरीज का AC का योजना भी हम लोग बन रही है, जो है मॉडर्न पेंटिंग गैलरी, डेकोरेटिव आर्ट गैलरी, टेक्सटाइल गैलरी और आर्म्स एंड आर्मा गैलरी, इन 4 का हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ हम लोग का जो सभागार है, ब्रिजमोहन व्यास सभागार, उसका भी AC का काम लगभग शुरू हो गया है। मतलब वो भी सोचिए कि वो भी साथ साथ शुरू हो गया। तो और ये पूरा जो है संग्रहालय AC की कैपेसिटी इसकी बनाने के लिए हमारा जो सबस्टेशन है जो अभी पूरी कैपेसिटी ले नहीं सकता, वो 400 से 600 KVA उसका अपग्रेडेशन का भी कार्य शुरू होने वाला है, जिसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए उसके लिए भी दे दिए गए। तो कुल मिला के बहुत सारी योजनाएं साथ साथ शुरू हो रही है और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो माघ मेला आ रहा है, जिसको मिनी कुंभ कहा जा रहा है, उसी समय के लगभग आप देखेंगे कि हमारे संग्रहालय का जो है पूरा वातावरण और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एकदम बदला हुआ नजर आए। निघासन रोड बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज गेट के सामने हुआ बड़ा हादसा, सवारी भरी बस पलटी जिसमें दर्जनों यात्री घायल हुए, पलिया CHC भर्ती कराया गया, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। सुबह 3 बजे की घटना। लखीमपुर के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद संभल में ASP और CO ने 2 थानों की पुलिस के साथ अचानक आधी रात में कोतवाली क्षेत्र के कई जगहों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। चौराहों और होटलों पर पुलिस टीम के साथ मारे छापे। होटलों पर आधी रात को बैठे मिलने वाले युवकों से की गई पूछताछ और ली गई तलाशी। आधी रात में होटल व दुकानों में बैठकर अड्डेबाजी कराने वाले दुकानदारों को पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी। सड़कों पर रात में गूंजे पुलिस की गाड़ियों के सायरन तो मचा हड़कम। लखनऊ में हुई हिंदूवादी नेता की हत्या के बाद त्योहारों को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। संभल से शरद शर्मा की रिपोर्ट। आने वाले त्योहार और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, अपराधों की रोकथाम के लिए होटल, ढाबा, चाय पान की दुकान जो चौराहों पर रहती है, जिसपे देर तक लोग अड्डेबाजी करते हैं, ऐसे सभी स्थानों पे आज चेकिंग की गई है अचानक और उनको सचेत किया गया कि कहीं कोई अड्डेबाजी ना हो।
अपना सामान लें और जाएं। इसलिए चेकिंग थी, रास्ते में चलते हुए अचानक कोई भी संदिग्ध दिखा उसको चेक किया गया, संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि आए दिन जो है कुछ कुछ शिकायतें यहाँ से मिलती रहती थी कि अड्डेबाजी हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, उसके मद्देनज़र चेकिंग की। थैंक यू। क्या है बदलाव के लक्ष्य? क्या गांवों को आधारभूत सुविधाएं मिलती हैं? क्या गांव में पीने का पर्याप्त पानी है? क्या गांव में चिकित्सा नालियां और सड़कें दुरुस्त हैं? इन सभी मुद्दों के साथ हम आ रहे हैं आपके द्वार, आपके सरपंच के साथ, सिर्फ जेके का बदलाव।